गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, टुडे इज़ द 12th डे ऑफ क्विक क्रैकर 45 एंड टुडे वी आर टेकिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन आस्पेक्ट्स ऑफ नीट 2021, जो कि हर साल एक क्वेश्चन फिक्स होता है 4 मार्क्स का, डेट इज़ कॉल्ड एज लॉजिक गेट। और सारे कॉन्सेप्ट को टच करते हुए ये टॉपिक बना रहा हूँ। सो जो बेसिक थिंक है लॉजिक गेट में, फर्स्ट थिंग इज लॉजिक गेट। सो लॉजिक गेट इज बेसिकली अ डिजिटल सर्किट विच बेस्ड ऑन दी सर्टेन लॉजिक्स एंड रिलेशनशिप। देर आर 3 बेसिक गेट, दैट इज कॉल्ड एज और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। दिस इज बेसिक लॉजिक गेट। ऑलराइट, सो पहले हम देखते हैं सिंबल ऑफ दीज 3 लॉजिक गेट्स। सो फर्स्ट थिंग इज और गेट। और गेट मीन्स इस तरीके से सिंबल होगा एंड आउटपुट इज टोटली बेस्ड ऑन ए प्लस बी। ऑलराइट, सो आउटपुट ए प्लस बी इफ इनपुट इज ए एंड बी। सो यहां पे देखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लॉजिकल सर्किट डायग्राम। सो अगर यहां पे ए और बी, देर आर 2 स्विच। ऑलराइट, सो अगर इफ यू अप्लाइड अ वोल्टेज लाइक दिस एंड यू जस्ट क्लोज अ स्विच ए, व्हाट हैपेंड, जैसे ही क्लोज करेंगे दिस बल्ब विल ग्लो। ऑलराइट, इसका मतलब जब यहां पे इनपुट इज 1, सो बल्ब ग्लो करेगा। या फिर बी ए ओपन रखें, ए ओपन रखें, बी को क्लोज करें, तब भी ये बल्ब ग्लो करेगा। अगर दोनों ही ओपन स्विच रहते हैं, डेट इज 0 एंड 0, सो इन दिस केस इफ बोथ दिस स्विच इज ओपन, दैट इज देयर इज नो आउटपुट। ऑलराइट, बट इफ देयर इज एनी ऑफ द स्विच इज क्लोज्ड, देयर इज आउटपुट इज देयर। ऑलराइट, सो 0 एंड 0 गिव्स 0, 0 1 गिव्स इज टू 1, 1 0 गिव्स 1 एंड 1 एंड 1 गिव्स 1। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रुथ टेबल। ऑलराइट, सेकेंड लॉजिक गेट इज कॉल्ड एज एंड गेट। एंड गेट इज बेस्ड ऑन द सर्टेन लॉजिक्स लाइक दिस। इफ यू क्लोज द, इफ बोथ द स्विच इज ओपन, इफ बोथ द स्विच इज ओपन मीन्स आउटपुट इज गोइंग टू बी 0। इफ स्विच ए इज क्लोज्ड एंड बी इज ओपन, ए इज क्लोज्ड बी इज ओपन, देन देर इज बल्ब नहीं जलेगा यहाँ पे, इट मीन्स इट इज गोइंग टू बी 0। बट बल्ब ये कब ग्लो करेगा, when both this switch is closed, it means if input is 1 and 1, then output is also going to be 1. So there is one possibility over here, if both this switch is closed then the bulb will glow, otherwise bulb will not glow. Samajh mara bachcho? And third logic gate is called as not gate. Not gate means this is based on the relation, this logic basically, if suppose A is open, switch A is open, it means this bulb will glow. Alright, so it iska matlab agar A pe 0 hai to output is going to be 1, but jaise hi aap A ko band karenge kya hoga, it is going to be short circuited. The current is flowing in this, current will follow this path, so this bulb will not glow. इसका मतलब अगर आप यहाँ पे 1 देंगे तो this will gives you 0, और अगर 0 देंगे तो यहाँ क्या देगा, 1 देगा। alright, so इसको बोलते हैं basic logic gate, that is OR gate, AND gate and NOT gate. So let us come about the these are the called as 2 universal logic gate. Universal logic gate is basically, why its name is called as universal, with the help of these 2 gates you can make either OR gate, NAND gate or NOT gate or any of the gate. That is why we are saying this logic gate is called as universal logic gate. So first thing is a NAND gate. NAND means this is the logic behind this gate. Suppose if both this switch is open, what happened, the bulb will glow, because yahan se ye current aise pass hoga, bulb glow karega.
मीन्स इफ 0 एंड 0 इट विल गिव्स यू 1. बट अगर आपने यहाँ पे क्या किया, 1 को ओपन रखा बट B को क्लोज किया, तो अभी भी बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि अभी भी ये जब तक ये शॉर्ट सर्किटेड नहीं होगा तब तक ये बल्ब बुझेगा नहीं. इसका मतलब अगर आप इस पे 0 देते हैं, इस पे 1 देते हैं, इट इज़ गोइंग टू बी 1, बल्ब ग्लो करेगा. जो तीसरी चीज़ है, अगर हम इसको ओपन रखते हैं, इसको क्लोज करते हैं, तब भी बल्ब ग्लो करेगा. अगर दोनों के दोनों ये स्विच क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, देन देर इज अ शॉर्ट सर्किटेड एंड बल्ब विल नॉट ग्लो. सो तब इस केस में वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी. समझ में आ रहा है बच्चों? इसका मतलब दिस इज कॉल्ड एज एंड नैंड गेट, दिस कॉल्ड एज नैंड गेट. सो आउटपुट इसका कैसे लिखते हैं, ए इंटू बी बार, ए इंटू बी बार. मतलब पहले आप एंड गेट लगाएंगे, एंड का ऑपरेशन लगाएंगे, फिर उसका क्या लगाएंगे, नॉट का ऑपरेशन लगाएंगे. ऑलराइट, सो आउटपुट इज ए इंटू बी का बार. फिफ्थ गेट इज कॉल्ड एज नॉर गेट. नॉर गेट मीन्स और प्लस नॉट, और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद कौन सा ऑपरेशन, नॉट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. सो द लॉजिक बिहाइंड दिस गेट इज इफ बोथ दिस स्विच इज ओपन, अगर दोनों स्विच ओपन है तो यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि करंट ऐसे पास होगी यहाँ से चली जाएगी. मतलब 0 0 क्या देगा, 1 देगा. इसके बाद किसी भी स्विच को अगर आप क्लोज करते हैं तो देर इज अ शॉर्ट सर्किटेड एंड बल्ब विल नॉट ग्लो. समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर इसको शॉर्ट करता हूँ, यहाँ से जैसे स्विच क्लोज किया, करंट ऐसे जाकर इसे यहाँ पे चली जाएगी, इधर नहीं जाएगा, शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा. बिकॉज करंट विल फॉलो द लीस्ट रेजिस्टेंस वैल्यू. ऑलराइट, सो 0 एंड 1 इट इज गोइंग टू बी 0. अगर इसको भी आप क्लोज करते हैं, इसको ओपन करते हैं, तब भी शॉर्ट सर्किटेड होगा. और अगर दोनों ही के दोनों ही अगर आप क्लोज करते हैं, बोथ द स्विच इज क्लोज्ड, मीन्स इट इज आउटपुट इज गोइंग टू बी 0. दैट इज कॉल्ड एज नॉर गेट. और प्लस नॉट मीन्स फर्स्ट वी हैव ऑपरेशन और गेट, देन उस पे क्या लगाएंगे, नॉट गेट लगाएंगे. सो दीज टू गेट्स बेसिकली कॉल्ड इज यूनिवर्सल गेट. ऑलराइट, देर आर टू मोर गेट, दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉर गेट एंड एक्स नॉर गेट. एक्सॉर गेट मीन्स एक्सक्लूसिव और. देर इज सर्टेन लॉजिक बिहाइंड दिस गेट, दैट इज आउटपुट ऑफ टू इन द आउटपुट ऑफ टू इनपुट एक्सॉर गेट इज attain to be one state one if only and only input attains the state one. केवल और केवल एक ही input में अगर one है, either 0 1 or 1 0, so in that case the output is going to be one. Otherwise क्या होगा, 0 0 देंगे तब भी क्या होगा, 0 होगा. 1 1 देंगे तब भी क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी 0. सो द स्टेटमेंट अबाउट द लॉजिक बिहाइंड द XOR गेट इज इफ ओनली एंड ओनली वन इनपुट अटेन्स टू स्टेट 1, देन आउटपुट इज गोइंग टू बी 1. लाइक द आउटपुट इज बेसिकली y इक्वल टू a इंटू b बार या ए बी बार प्लस ए बार b. The symbol of XOR gate is A plus this is a circle. Alright, A plus B. Alright, and plus sign क्या circle में लिखते हैं, ठीक है. And last gate is XNOR gate. XNOR gate, the logic behind this gate is the output state 1 when both input are the same, both input are the same, either 0 or 1. It means if you are giving the 0 0, it state output is going to be 1, or 1 1 denge tab bhi kya hoga, it is going to be 1. Agar aapne different inputs provide kiye like 0 and 1, so output is going to be 0. 1 0 denge tab bhi kya aayega, 0. Iska basic fundamental kya hoga, a b plus ए बार इंटू बी बार. और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ए प्लस सर्कल में बी का बार. अब यहाँ पे अगर आप इतनी सारी चीज़ें सीख जाते हैं, देर आर टू मोर थिंग्स विच नीड
विच नीड फॉर नीट एग्जामिनेशन दैट इज कॉल्ड एज, आप इसको आप नोट भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देर इज कॉल्ड एज डिमॉर्गन्स थ्योरम. डिमॉर्गन्स थ्योरम, फर्स्ट थिंग, डिमॉर्गन्स थ्योरम स्टेट्स दैट ए इंटू बी का बार, इट गिव्स ए बार प्लस बी बार. द फर्स्ट इट इट फर्स्ट थिंग. सेकेंड डिमॉर्गन्स थ्योरम कि अगर आपके पास ए प्लस बी का होल बार है तो इसको लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटेन एज ए बार इंटू बी बार. तो इसको ये दो ऑपरेशन जो डिमॉर्गन्स थ्योरम के हैं ये बहुत बार यूज होते हैं क्वेश्चंस में, तो ये डिमॉर्गन्स थ्योरम आप नोट डाउन कर सकते हैं. जो लास्ट बात इसमें एक सीखी जाती है डेट इज वेव फॉर्म. कभी कभी क्या देता है, सपोज वी हैव दी सम वेव फॉर्म, वहां पे 0 1 ना दे करके इट इज गिवन लाइक दैट. सो दिस इज सम वेव फॉर्म इज गिवन एंड यू हैव टू अप्लाई अ सर्टेन लॉजिक with this waveform. Like there is a waveform A, this is a waveform A, and second waveform is like this one is the second waveform, right? So we need to apply OR gate, this is waveform B. अब हमें इस दोनों waveform में क्या करना पड़ेगा, कुछ logic supply करने पड़ेंगे. और output बोल रहा है कि हमें इस दोनों वेवफॉर्म पे और ऑपरेशन सप्लाई करने हैं. सो इसको बोलते हैं बेसलाइन, दिस इज कॉल्ड एज बेसलाइन. बेसलाइन ही बच्चों बोली जाती है, ये बेसलाइन, दिस इज ए बेसलाइन. अब यहां पे जहां पे भी वेरिएशंस हैं वेवफॉर्म में उसको यहां पे वर्टिकली क्या प्रोजेक्ट करते हैं इस तरीके से, यहां पे भी जहां जहां वेवफॉर्म में वेरिएशंस हैं वहां पे वर्टिकली आप यहां पे ऐसे डॉटेड लाइन खींचे. ऑलराइट, समझ में आ रहा है बच्चों, इस तरीके से डॉटेड लाइन खींच लिया. अब इन दोनों ऑपरेशंस में हमें और गेट लगाना है. तो और गेट में आपने ए प्लस बी ऑपरेशन पढ़ा है, और गेट मींस दिस इज आल्सो बेस लाइन, दिस इज गोइंग टू बी जीरो, दिस आल्सो टू बी जीरो. सो जीरो प्लस जीरो मीन्स आउटपुट इज गोइंग टू बी जीरो. सो दिस इज अ बेस लाइन, इट मीन्स द आउटपुट इज लाइक दिस कि ये वाला क्या है आपके पास, दिस इज अ जीरो लाइन. फिर यहां पे क्या हो जा रहा है, दिस इज गोइंग टू बी वन, यहां पे ये जीरो ही रहता है. सो वन एंड जीरो, वन एंड जीरो इज गोइंग टू बी वन, इट इज गोइंग टू बी वन. अब ये क्या हो गया, ये जीरो आ गया और ये क्या हो गया, वन हो गया. तो जीरो वन क्या देगा, वन ही देगा. तो ये यहां तक सेम वेवफॉर्म पैटर्न फॉलो किया, वन. अब ये क्या हो गया, वन हो गया एंड दिस इज आल्सो टू बी वन. सो वन एंड वन क्या होता है और गेट पे, ए वन प्लस वन दैट इज गोइंग टू बी वन. ऑलराइट, एंड आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू बी जीरो एंड इट इज आल्सो गोइंग टू बी जीरो. सो जीरो, ये दोनों जीरो हो गए, जीरो जीरो क्या देगा, जीरो देगा. सो आउटपुट यहां तक इसका इस तरीके से प्लॉट हो गया. So like that there are a few questions which I will discuss over here which came in NEET examination. So देखते हैं, लगभग 30 questions आए हुए हैं, वो सारे एक भी छोड़ेंगे नहीं, सारे discuss करेंगे. ठीक, so stay tuned with EduFly JEE NEET. So first question से देखते हैं, NEET 2007 में भी आया है, 6 में भी आया है. सो फर्स्ट क्वेश्चन नीट 2017 में भी है, 6 में भी है, 2000 में भी है. सो देखते हैं, इस तरीके से कह रहा है, गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू, ऑप्शंस आर और नॉर नॉट एंड एंड. सो यहाँ पे अगर ए इनपुट है बी इनपुट है तो ये पक्का है, ये कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है. मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी का बार आएगा. तो ये इसको एक आउटपुट Y1 मान लेते हैं, एक आउटपुट आ गया. मतलब ये जो Y1 है वो यहाँ पे भी जा रहा है और यहाँ पे भी जा रहा है. तो ये जो आउटपुट आ रहा है A प्लस B का बार, वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी. तो अब इसको दो इंडिविजुअल इनपुट्स मान करके हम काम करेंगे.
तो यहां पे भी क्या आएगा, y1 plus y1 का बार, ठीक। अब ये y1 plus y1 का बार अगर देखें तो अगर इसको अलग अलग करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं डिमॉर्गन्स थ्योरम से, जैसा कि आपने पढ़ा है कि a प्लस बी का बार जो है वो क्या देता है, a बार इंटू b बार, ठीक ऐसे देता है। तो अगर डिमॉर्गन्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, y1 बार इंटू फिर y1 बार, तो इसका एक ही आउटपुट लिया जाता, मतलब क्या आपके पास आ रहा है, y1 बार आ रहा है, क्या आ रहा है, y1 बार। अब y1 है क्या, एक्चुअली y1 देखते हैं है क्या, y1 है आपके पास a प्लस बी, मतलब ये वैल्यू क्या आएगी, a प्लस बी का बार y1 है, इसका बार करेंगे तो बार का बार जो है वो क्या देता है, वो सिर्फ a प्लस बी देता है, बार का बार सिर्फ a प्लस बी देगा। अब यहाँ पे आ गए, फिर ये नॉट गेट लगा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी का बार हो जाएगा। तो ये वाला कौन सा गेट देता है, a प्लस बी का बार, नॉर गेट देता है ना, और प्लस नॉट, और भी लगेगा उसके बाद कौन सा ऑपरेशन, नॉट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, नॉर ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो कि नीट 2016 में भी आया है, 12 में भी आया, 2010 में भी आया है। तो इस तरीके से एक ऑपरेशन था, मुझे पूछा टू गेट द आउटपुट इज वन, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है। फॉर फॉलोइंग सर्किट द करेक्ट चॉइस फॉर इनपुट, चार ऑप्शंस दिए हैं। तो इसमें ज़्यादा बेहतर बच्चों ये होगा कि आप जो वैल्यू दिया है ना, ये ए बी सी डी ऑप्शंस में ये सारी वैल्यू प्लेस करके एक एक करके चेक करते चलेंगे, जहाँ पे सही होगा उसको टिक कर देंगे। सो चालू करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट से। तो अगर यहाँ पे जीरो देते हैं, यहाँ पे वन देते हैं और यहाँ पे जीरो देते हैं, तो ये है और गेट, मतलब यहाँ पे जीरो और वन वन देगा, यहाँ पे वन जीरो आ रहा है, ये एंड है, तो ये वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, मतलब ये तो गलत है। यहाँ पे वन दें, यहाँ पे जीरो दें, इसको वन दे रहा हूँ, इसको जीरो दे रहा हूँ, और इसको भी क्या दे रहा हूँ, जीरो। तो जीरो वन वन जीरो क्या हो रहा है, वन, यहाँ पे भी जीरो, फिर एंड ऑपरेशन, इट इज़ गोइंग टू बी जीरो, मतलब बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन बच्चों आते हैं, यहाँ पे भी वन, यहाँ पे भी वन, मतलब इन दोनों पे वन होगा तो आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, जीरो, तो अभी भी क्या आएगा, ये जीरो आ जाएगा, क्योंकि इधर से जीरो, ये वन, तो जीरो वन एंड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो इंटू वन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, इसका मतलब आउटपुट वन आ ही नहीं रहा है, तो सी भी गलत, तो एक ही ऑप्शन बचा डी, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसको चेक करने के लिए, अगर तीन कॉन्फिडेंट हैं चौथा मार देंगे। ऑलराइट, सो बात करते हैं, चेक भी कर लेंगे आप बाद में, मतलब एग्जाम देने के बाद। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच लॉजिक गेट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट, सो 2015 में आया है। तो यहाँ पे कुछ देखते हैं कौन सा लॉजिक गेट देगा। तो अगर ये ए है तो ये ए बार दिया, यहाँ पे बी है तो ये बी बार दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए बार, और ऑपरेशन जा रहा है, ए बार बी बार और ऑपरेशन में गए, इसके पूरे का बार लग रहा है यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम इसको क्या करें कि अगर डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाएं, डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है, ए प्लस बी का होल बार बराबर क्या कहता है, ए बार इंडिविजुअल ब्रेकआउट करेंगे तो यहाँ पे इनटू हो जाएगा बी बार, तो यहाँ पे भी वही ऑपरेशन लगाएंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बार, इसको एक इंडिविजुअल माने, इसको एक इंडिविजुअल माने, तो ए बार का बार लगाएंगे यहाँ पे, इनटू आएगा बी बार का बार लगेगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बार का बार क्या देता है, ए ही देगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, यहाँ पे बी बार का बार क्या देगा, बी देगा, ए इंटू बी ऑपरेशन आ रहा है, मतलब ये कौन सा गेट है, एंड गेट है, सिंपल सी बात है, ये वाला ऑपरेशन कौन दे रहा है, एंड ऑपरेशन दे रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो इतना आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, और भी बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर जो कि 2013 नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि इस तरीके से एक लॉजिक गेट डायग्राम बनाया था लॉजिक, और आपसे क्या बोल रहा था कि आउटपुट एक्स की वैल्यू बताएं, यहाँ पे अगर y पकड़ते हैं तो ये y की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, y की वैल्यू बताना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो ये एंड एंड तो लग ही रहा है, उसके बाद नॉट ऑपरेशन है,
मतलब ये कन्फर्म है, एक y1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे y1, मतलब y1 की वैल्यू a इंटू बी का बार, a इंटू बी का बार। अब यहाँ पे भी, यहाँ पे भी y1 जा रहा है, यहाँ पे भी y1 जा रहा है, दोनों जगह y1 जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा, y1 इंटू y1 का बार जा रहा है। तो अगर ये y1 इंटू y1 का बार जा रहा है तो अलग अलग करेंगे तो y1 प्लस y1 बार प्लस y1 बार, तो इसमें एक ही लेते हैं, अगर सेम चीज़ें हैं तो एक ही लेंगे, सो y1 बार आएगा। वो y1 है क्या चाहिए वो बाद में देखेंगे। चलो अब यहीं पे हमें यही पूछ रहा है, तो इस ये वैल्यू आउटपुट क्या आ रहा है, y1 की वैल्यू है क्या चीज़, a a इंटू बी का बार है y1, इसका बार का बार क्या हो जाएगा a इंटू बी हो जाएगा, मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा a इंटू बी, कौन सा ऑप्शन सही है, b ऑप्शन सही है। समझ में आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 2012 का क्वेश्चन है, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, सो ये सॉल्व करते हैं, तब तक आप लोग ट्राई करते रहिए, लगे रहिए बच्चों, नीट का पेपर पास में है, लगे रहेंगे। तो अभी तक आपने सीखा कि ये तो सर वेव फॉर्म वाला आपने कॉन्सेप्ट तो बताया है, इसमें ए भी दे दिया बी भी दे दिया और आउटपुट भी बता दिया, आपसे आउटपुट पूछा नहीं, बता दिया कि ये वेव फॉर्म आउटपुट का आएगा, आपको कौन सा गेट लगाया गया है ये बताना है। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया। अब बात करते हैं कैसे करेंगे, हम एक एक ऑप्शन उठाएंगे और चेक करते चलेंगे। पहला, अगर और ऑपरेशन लगाता हूँ, कौन सा और का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी लगाना है मुझे ऑपरेशन कन्फर्म, तो जीरो जीरो जीरो, ठीक है, बढ़िया अच्छी बात है, इट इज़ गोइंग टू बी वन, ये वन है ये जीरो, वन जीरो क्या हो रहा है, वन अच्छी बात है, वन जीरो वन ही होता है एंड में, सॉरी और में, आ जाए यहाँ पे भी वन, यहाँ पे भी वन, वन इज वन वन क्या हो रहा है, वन अच्छी बात है, वन प्लस वन वन ही होता है, इट इज़ गोइंग टू बी जीरो, इट इज़ आल्सो टू बी वन, तो जीरो वन क्या दे रहा है, वन दे रहा है, अच्छी बात है। और गेट यहाँ पे जीरो 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 क्या देता है, जीरो देता है, इट इज़ गोइंग टू बी वन जीरो वन, अच्छी बात है, वन जीरो वन, इट इज़ गोइंग टू बी जीरो, इट इज़ वन, जीरो वन क्या देगा, वन देगा, मतलब कन्फर्म है पहला और गेट है, ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म। तो ऑप्शन से पहले मतलब आपका जो ओरिएंटेशन होना चाहिए मोर टुवर्ड्स ऑप्शन होना चाहिए, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो ऑप्शन हटा एलिमिनेट भी करके, मतलब जिनको लगता है ये तो नहीं होगा कन्फर्म हटाओ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी आया हुआ नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट पूछा था कि भाई साहब ये बताओ कि ये जो चार ऑप्शन दिए कौन कौन से गेट हैं, ऐसे बता देगा 1 2 3 बता देगा, ये 4 बना देगा, फिर सीक्वेंस बना देगा, तो ये कौन सा है, ये कौन सा है आर है, ये कौन सा गेट है एंड गेट, ये कौन सा गेट है नॉट गेट, ये कौन सा गेट है नैंड गेट, एंड प्लस नॉट। समझ में आया बच्चों, ये भी क्वेश्चन आया है, मतलब डायरेक्ट सिंबल पे सिंबल आपको आता है लॉजिक गेट का नहीं आता है, बताओ भाई। समझ में आ गया बच्चों। सो आगे देखते हैं और कौन किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो 2008 में क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे ए और बी दो इनपुट्स दिए थे, यहाँ पे ए दिया था यहाँ पे बी, आउटपुट पूछ रहा था द इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा ये बताना था। तो अगर ए और बी हैं, ये और गेट है और पे, मतलब यहाँ पे ए प्लस बी का बार, अब इसको एक नया आउटपुट मान लेंगे डेट इज टू बी वाई वन, ठीक। अब वाई वन यहाँ पे भी जा रहा है, वाई वन यहाँ पे भी जा रहा है, फिर एंड लग रहा है, मतलब कि अगर यहाँ पे देखें तो वाई वन इंटू वाई वन का बार आ रहा है, ए इंटू बी का बार लग रहा है। तो हम यहाँ तक पहले निकालते हैं कि आउटपुट क्या होगा, तो ये दोनों का अगर हम डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाएं तो y1 बार प्लस
y1 बार, तो इसका एक ही लिया जाएगा, तो y1 बार आया। अब y1 है क्या चीज़ एक्चुअली, y1 एक्चुअली a प्लस बी का बार है, मतलब a प्लस बी का बार का बार, दो बार बार है, मतलब वैल्यू क्या सिर्फ आएगी a प्लस बी आएगी। ठीक, अब यहाँ तक तो हम आ गए हैं, यहाँ तक आ गए हैं। अब a प्लस बी का बार ये है, नॉट गेट है, तो a प्लस बी मतलब और प्लस नॉट, मतलब कौन सा गेट है, नॉर गेट, कौन सा गेट है, नॉर गेट, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो कि 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे इस बार आउटपुट नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा कि चार ऑप्शंस दिए गए हैं ट्रुथ टेबल में, इसमें कौन सा सही है। तो ठीक है, यहाँ पे ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं, पहले ऑपरेशंस देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे और प्लस नॉट है, मतलब नॉर गेट है ये, मतलब ए प्लस बी का बार दिया है। अब ए प्लस बी का बार यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है उसको हम क्या मान ले रहे हैं, वाई वन मान लें, इसको भी वाई वन मान लें, तो यहाँ भी वाई वन गया, यहाँ पे भी वाई वन गया, तब यहाँ पे भी क्या वाई वन प्लस वाई वन का बार आ रहा है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई वन बार इंटू वाई वन बार, तो एक्चुअली ये दोनों एक ही चीज़ है, तो वाई वन बार। अब वाई वन है क्या चीज़, ए प्लस बी का बार आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, सिर्फ ए प्लस बी। अब हमें ठीक है ए प्लस बी आया, लेकिन ए प्लस बी का जो आउटपुट का जो इनपुट कौन 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 से देखें, मतलब ये कौन सा ऑपरेशन है, आपके पास और ऑपरेशन है, फिर और ऑपरेशन मतलब कि ए प्लस बी में अगर यहाँ पे देखें, जीरो जीरो क्या आ रहा है, वन आ रहा है, मतलब ये तो गलत है, जीरो होना चाहिए, जीरो जीरो वन आ रहा है, ये भी गलत है, जीरो 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 यस, जीरो वन वन यस, वन जीरो वन यस, वन 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 यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। समझ में आया बच्चों, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, 2001, 98, 94 तीन साल आया हुआ है नीट एग्जाम में। विच गेट रिप्रेजेंट बाई फॉलोइंग ट्रुथ टेबल, ठीक, आपसे ये एक टीटी बनाया और इससे बोला कौन सा गेट है ये, सिंपल सा। अब देखो 001 आ रहा है, अच्छी बात है, 001 मतलब और कट गया, और का उल्टा, ठीक है, नॉर ऑप्शन में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, 101 आता, 1 का 0 मतलब नॉर भी कट गया और भी कट गया, खत्म। आ जाओ यहाँ पे 01 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 011 आ रहा है, मतलब कि अगर हम देखें एंड तो है नहीं यहाँ पे, 11 एंड तो है नहीं, ये ऑप्शन से निकाल देते हैं, और आपके पास एक्सनॉर गेट लेके चलते हैं, 000 आता 1, ठीक, एक्सॉर की बात कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशन एक्सॉर गेट में आपने क्या सीखा, एक्सक्लूसिव और गेट जिसको बोलते हैं, एक्सक्लूसिव और एक्सॉर गेट मतलब एक्सक्लूसिव और गेट, आपने ये सीखा कि 00 रहे 1 आएगा, या 11 रहेगा 1 आएगा, अदरवाइज क्या होगा, अगर डिफरेंट होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या ऐसा है कुछ, यहाँ पे 11 है 0 आ रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, नॉट ऑप्शन तो है नहीं। चलो देखते हैं एंड प्लस नॉट, नैंड ऑपरेशन देखते हैं, तो 00 क्या होता है, 00 का 1, ठीक है, 10 क्या होता है, एंड पे इट इज गोइंग टू बी 01, अच्छी बात है, 01 इज गोइंग टू बी 00 का 1, अच्छी बात है, 11 का 0, यस, ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है, नैंड गेट। ठीक, लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन करेक्टली द ट्रुथ टेबल ऑफ द कन्फिग्रेशन ऑफ गेट सोन हियर। ऑलराइट, सो इस तरीके से कभी कभी क्या होता है, सिग्नल यहाँ का वहाँ डाल देता है, वहाँ का यहाँ डाल देता है, तो उससे घबराने की बात नहीं है, अगर ए है तो यहाँ पे भी पक्का ए आ रहा है, यहाँ पे बी है तो यहाँ भी पक्का बी जा रहा है, यहाँ से ए है तो यहाँ पे नॉट गेट है तो यहाँ पे ए बार जाएगा, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी बार जाएगा,
अब यहां पे देखें तो ए बार इंटू बी यहां पे गया, यहां पे क्या आ जाएगा, ए बी बार, ए बी बार, यहां पे ए बार बी, यहां पे ए बी बार, दोनों इकट्ठा मिल रहे हैं, ध्यान समझिएगा, दोनों अब इकट्ठा कौन से गेट में जा रहे हैं, और गेट में जा रहे हैं, मतलब कि ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक। तो यहां पे ये आपके पास क्या आ जाए, अब इसका हमें टीटी बनाना है इसका। अब ये टीटी कैसे बनेगा, ध्यान से देखें, अगर हमें इसका टीटी बनाना है तो हमें पहले ए लिखना पड़ेगा, फिर ए बार निकालना पड़ेगा, फिर बी लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे भी वही सेम चीज़, कॉन्सेप्ट वही है। अगर यहाँ पे देखें ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए बार निकालना पड़ेगा, फिर ए बार बी निकालना पड़ेगा, फिर बी बार निकालना पड़ेगा, फिर ए बी बार करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा और गेट लगाना पड़ेगा। तो ये तो जितने भी प्रोसेस हैं सब खटाखट करते हैं, यहाँ पे जीरो जीरो, यहाँ पे वन जीरो जीरो वन वन वन, ठीक। अब यहाँ पे जीरो जीरो ए बार पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो, बी बार लिख लेते हैं, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो। अब ए बार इंटू बी कर लेते हैं, इंटू कर लें जीरो जीरो वन, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। अब फिर ए बी बार कर लेते हैं, ए बी बार जीरो वन जीरो जीरो। अब इन दोनों को जोड़ना है, ये वाला और ये वाला, और ऑपरेशन लगाना है, तो जीरो जीरो जीरो, ठीक, फिर जीरो वन 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 जीरो वन, फिर यहाँ पे जीरो। हमें दो इनपुट पे यहाँ पे देखें, अगर जीरो वन वन जीरो इस तरीके से कोई है आपके पास, वन वन कब आ रहा है, ध्यान से देखें, वन वन कब आ रहा है, जब ए और बी पे क्या है, या तो जीरो है या तो यहाँ पे वन है, या वन जीरो या जीरो वन पे ही वन आ रहा है। चलो यहाँ पे जीरो वन वन, यहाँ पे वन आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे बाकी पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे वन, तो ऑप्शन ये ख़त्म, यहाँ पे जीरो वन, यहाँ पे तो डायरेक्ट ख़त्म हो गया, यहाँ पे आ जाएं जीरो वन वन, यहाँ पे दो आ रहा है, ऑप्शन सी ख़त्म, ऑप्शन सी सही है अपना, बाकी पे दो जगह जीरो है, दो जगह यहाँ पे वन है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। तो हमें टीटी से भी अच्छे से तरीके से काम करने आना चाहिए, वेव फॉर्म पे भी अच्छे से आना चाहिए। तो अगर आपके पास इतनी नॉलेज है लॉजिक गेट में, तो आप ये पक्का है कि आप नीट के क्वेश्चन फोड़ सकते हैं। आप थोड़ी सी बस और 5-7-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लें, जहां पे भी डाउट अगर आपको लगता है, तो 9427606087 पे आप हमें वहां पे क्वेश्चन पोस्ट करें, मैं वहां सभी बच्चों का रिप्लाई देता हूं, चाहे वो जेई मेंस की तैयारी कर रहे हों, नीट की कर रहे हों, या जेई एडवांस की कर रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम, आप व्हाट्सएप पे पोस्ट करिए अपने डाउट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, लग करके ऐसे ही तैयारी करते रहें, ये नीट का एग्ज़ाम पास में है, यही महीना लास्ट है तैयारी का, तो पूरा जी जान लगा दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, अल्लाह।